आज हम आपसे जो बोलने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगा। आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, तो आप इस पर क्या कहेंगे? बता दें कि ये सच है। आज 25 मई है और आज के ही दिन उन 3 महीनों का समय ख़त्म हो रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए दिया था। ऐसे में अगर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो इन्हें जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम लगातार डेटा प्राइवेसी को लेकर चर्चा में हैं और अब ये कहा जा रहा है कि भारत में इसके बैन होने का समय नज़दीक आ गया है। दरअसल 25 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने की समय सीमा दी थी, जिसकी अवधि 25 मई यानी कि आज ख़त्म हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में इन ऐप्स पर बैन लग सकता है। केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए 3 महीने के अंदर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने को कहा था और इन सभी का कार्यक्षेत्र भारत में होना चाहिए था। सरकार ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंच की परिभाषा तय करते हुए ये बताया था कि इसके लिए रजिस्टर्ड उपयोगकर्ताओं की संख्या कम से कम 50 लाख होनी चाहिए। सोशल मीडिया के इन मंचों को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत अतिरिक्त दायित्वों का पालन करना होगा, जिसका उद्देश्य इन मंचों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। सरकार ने फरवरी में ये गाइडलाइंस जारी करते हुए बताया था कि नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इस तरह के सोशल मीडिया प्रदाताओं को इनका पालन शुरू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाएगा। दरअसल कू ने शनिवार को एक बयान में बताया कि उसकी निजी पैच दरअसल कू ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसकी निजी नीति, उपयोग की शर्तें और सामुदायिक दिशा निर्देश महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंचों पर लागू होने वाले नियमों की ज़रूरतों का पालन करते हैं। कू के करीब 60 लाख उपयोगकर्ता हैं, जिसके साथ वो नए दिशा निर्देशों के अधीन आने वाले मंचों में एक बन जाती है।